जज्बा जुनून तू हिम्मत ना हार, जिस तो जू जो करे वो छुए आसमान। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी नौजवान कहीं भी हो वतन अजीज का नाम रोशन करते रहेंगे। ऐसी ही एक मिसाल कायम की है जफरवाल के नौजवान आकिब इलियास ने। उन्होंने ओमान क्रिकेट टीम की तरफ से भारत के खिलाफ तीसरी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं राणा अली रजा। सफरवाल के सरहदी गांव टिब्बा पिंड ब्राह्मण से तलक रखने वाला होनहार नौजवान आकब इलियास ओमान की कौमी क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए आईसीसी इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया अंडर 23 के खिलाफ कैरियर की तीसरी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। आकब इलियास का इंडिया अंडर 23 के खिलाफ कैरियर की तीसरी सेंचुरी मुकम्मल करना पाकिस्तान के लिए किसी अजाज से कम नहीं। आकब इलियास ने अपनी जिंदगी का आगाज गाँव ही की गलियों में क्रिकेट खेल कर किया, फिर कई साल तक लक्की क्रिकेट क्लब जफरवाल का हिस्सा बने रहे और अब वो ओमान की कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर आईसीसी इमर्जिंग एशिया कप खेल रहे हैं। आकब इलियास की तीसरी सेंचुरी मुकम्मल होने पर इलाका भर में खुशी की लहर दौड़ गई। इलाका मकीनों ने मिठाइयां भी तकसीम की। इस मौके पर आकब इलियास के वालिद चौधरी इलियास का कहना था कि हम सब जो है अपनी तरफ से और अपने इलाके की तरफ से मेरे बेटे आकिब इलियास को इतनी अच्छी इनिंग्स इंडिया के खिलाफ खेलने पे श्रीलंका में हम मुबारकबाद देते हैं और पूरा इलाका उसको मुबारकबाद देते हैं। आकिब इलियास ने ओमान क्रिकेट टीम की तरफ से भारत के खिलाफ तीसरी सेंचुरी मुकम्मल करके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अपने इलाके का नाम भी बुलंद कर दिया है। कैमरामैन टीम के साथ राणा अली रजा, रोज न्यूज जफरवाल।